तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैंने भी ऐसे राखी बंधवा लिया और हमारा सडन प्लान बन गया, कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। तो बस वही बाहर निकल रहा हूँ, तो फटाफट से अब निकलते हैं, चलते हैं कहीं। इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहें एंड तक। और ये ट्रिप बिल्कुल भी प्लान नहीं है, बस सडन प्लान बना अभी कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का, तो दीने बोला कहीं चलो चलते हैं। तो मैंने सोचा हाँ, रक्षाबंधन है, कहीं ना कहीं आउटिंग तो बनती है। तो आसपास तो जितने कुछ है सब जगह मैं जा चुका हूँ, आप लोगों को पता, फिर भी लेट्स सी कहाँ चलते हैं। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अब मैं भागलपुर से निकल रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ NH 31 पे और मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, क्योंकि डे आउटिंग के लिए यहाँ पे वो बेस्ट प्लेस है और ये रूट भी काफ़ी सीनिक है। तो अभी मैं हूँ ब्रिज पे और ये ब्रिज कोसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। जब आप नौगछिया से आगे निकलोगे तब आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा और इसके ठीक पैरेलल में आपको रेलवे ब्रिज देखने को मिलेगा। काफ़ी सीनिक है, बट 2 लेन ब्रिज है, इस वजह से मैं कार नहीं रोक रहा हूँ यहाँ पर। मैं पूर्णिया पहुंच चुका हूं और बाईपास पे हूं। एक ब्रेक लिया है क्योंकि अभी खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर चलेंगे। 10 बज गए हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और मैं पूर्णिया क्रॉस कर रहा था, सोचा यहीं ये मुझे ढाबा दिखा, वीरता ढाबा। तो अभी चलते हैं अंदर और चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये प्योर वेज ढाबा है, रोटी है वहाँ पे, चाय काउंटर है। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है और एकदम मेन रोड पे है, पार्किंग स्पेस भी है। और ये रहा इनका मेन्यू, मेन्यू भी अफोर्डेबल है सब कुछ। तो जल्दी से ऑर्डर करते हैं और फिर देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है, फिर यहाँ से चलेंगे। तो जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर पूर्णिया से निकल के आगे आ गए, फिर किशनगंज, इस्लामपुर, ये सब क्रॉस किया और अभी मैं रुका हूँ। ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है, ये देखो। इस तरफ भी टी गार्डन है और उस तरफ भी रोड के टी गार्डन है, तो व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा था। ये देखो NH का व्यू, क्लाउड्स। तो बस यहीं पे रुके हैं, पिक्चर्स वगैरह लेके फिर आगे चलेंगे। और ये देखो टी गार्डन देख सकते हो। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और वो रहा हाईवे। और ये रूट काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। अगर आप पटना जाने के रूट से कंपेयर करेंगे तो उस रूट पे बहुत ज़्यादा रश होता है और फोर लेन रोड भी आपको बख्तियारपुर के बाद मिलेगा सिर्फ 50 किलोमीटर। बट इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेसेस हैं और बहुत मज़ा आता है। रोड ट्रिप के लिए बहुत ही बेस्ट रूट है ये। मोस्टली लंच टाइम तक मैं पहुँच जाऊँगा सिलीगुड़ी, फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है। तो अभी अभी मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, बहुत ही सीनिक व्यू लग रहा था तो मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं। फिर यहाँ के लोकल से पता चला कि ये महानंदा बैरेज है और ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लोकेशन था, ये देखो पानी का फ्लो। तो ये काफ़ी अच्छा महानंदा बैरेज था, तो यहीं पर मैंने गाड़ी रोकी है अभी। तो बस ऐसे ही थोड़ा सीन इन्जॉय करके, धूप है बट गर्मी तो लग रही है, बट आप लोगों को दिखाना भी तो है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सिलीगुड़ी और टाइम हो रहा है कुछ 2:30 or 3 समथिंग, और मैं आ गया हूँ होटल सैफ्रन क्रेस्ट में। लास्ट टाइम भी जब सिलीगुड़ी आया था तो यहीं रुका था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है और इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको तो ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो जिसने भी ये वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। तो अभी चलते हैं होटल के अंदर, चेक इन कर लिया है, मैं कुछ कार से सामान लेने आया था, अब जा रहा हूँ। चल के थोड़ा सा फ्रेश होता है, चेंज वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे बाहर। मेरा रूम 5th फ्लोर पे है, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ और ये इनकी लॉबी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने होटल के रूम में और ये रहा आप लोगों के लिए रूम टूर।
मैं जल्दी से क्विक रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि इन डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से जाके देख लेना आप लोग। ये यहाँ पे एक मिरर है और ये सब कुछ कॉफ़ी वगैरह के लिए। ये रहा इसका वॉशरूम, ये शावर उधर से भी दिखता है, हनीमून वाले कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है, समझ ही सकते हो। ये देखो, और फिर ये रहा इस डेस्क सिटिंग एरिया, और ये यहाँ से व्यू। तो अब जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ और फिर चलेंगे, क्योंकि भूख लग रही है यार बहुत तेज। तो भी मैं रेडी होके वापस आ गया हूँ, अभी चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, चलिए। अभी मैं आ गया हूँ सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर में। मेरे होटल से कुछ 5 किलोमीटर दूर था, बट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इतना कुछ ट्रैफिक था नहीं। तो सबसे पहले अंदर चलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन सी मूवी लगी हुई है, क्योंकि मूवी देखने का प्लान हो रहा है, और फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। ये यहाँ से नीचे इसकी पार्किंग है, तो चल के सबसे पहले कार पार्क करते हैं और फिर ऊपर चलेंगे। इंडिपेंडेंस डे को लेके इन्होंने पूरा डेकोरेट करके रखा। तो अभी मैंने स्नैक्स वगैरह खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर में, क्योंकि डी के लिए गिफ्ट लेना है, तो चल के कुछ ना कुछ लेंगे, देखते हैं क्या पसंद आता है। मैं सोच रहा हूँ दी को आई वॉज गिफ्ट कर दूँ, चलिए फिर। ये रहा एप्पल का आउटलेट। मैं एप्पल स्टोर से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि जो कलर ऑप्शन मुझे चाहिए था वो है नहीं, उनके पास सिर्फ स्पेस ग्रे था, बट मुझे रोज़ गोल्ड चाहिए था ली के लिए। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ वहाँ से, और उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद अवेलेबल होगा उनका स्टॉक। अब 2-3 दिन तो मैं यार रुकने वाला हूँ नहीं, ठीक है देखते हैं कहीं और सर गिफ्ट लेके गिफ्ट करेंगे। तो मॉल में मैं फिर रक्षाबंधन मूवी देखने चला गया, अच्छी मूवी है, जा सकते हो देखने। फिर वहाँ से निकल के मैं गया डिनर करने, और अभी डिनर वगैरह करके मैं आ गया हूँ अपने होटल में, और अब रेस्ट करेंगे, फिर सुबह आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस सुबह हो चुकी है, और मैं सुबह सुबह उठते ही आ गया था इस होटल के स्विमिंग पूल में। ऑल दो मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बट फिर भी स्विमिंग पूल में चिल करने का अपना ही मज़ा है, तो बस ऐसे ही मज़े कर रहा था। अब जाऊँगा वापस से रूम में रेडी होके, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, तब यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अपने रूम से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, सुबह सुबह एकदम शांति लग रही है, और ये देखो माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। अभी रेडी वेडी होके आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, और ये रेस्टोरेंट है इसी में ब्रेकफास्ट होगा। ये सब तो दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, रिव्यू कर दिया। सो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं, पाइनएप्पल जूस, पूरी सब्जी, एक इडली, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स, तो चलिए खाना शुरू करते हैं। तो अभी होटल से चेकआउट करके मैं निकल चुका हूँ, और मैं आ गया हूँ इस्कॉन टेम्पल। लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो यहाँ नहीं आ पाया था, तो सोचा इस बार देखते हुए चलते हैं, तो चलिए अंदर देखते हैं इस्कॉन टेम्पल। गेट नंबर 3 से मैंने एंटर किया है, और ये पूरी इनकी पार्किंग है, और एक यहाँ पे एंट्रेंस है, बट मेन एंट्रेंस वहाँ से है। अंदर आने के बाद ये यहाँ पे स्विच स्टैंड है, और फिर यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है, इस तरफ प्रसाद का काउंटर है, और फिर इधर से ऊपर जाना है यहाँ पे फूड फॉर लाइफ, और यहाँ पे मैचलेस गिफ्ट्स, ये पूरा मंदिर का कैंपस है ये देखो, और यहाँ से आपको ऊपर जाना है मंदिर के लिए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो अंदर तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये साइड का व्यू है। तो अभी थोड़ा सा इसको घूम के फिर यहाँ से निकलूँगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यही है मंदिर। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, पीस है यहाँ पे। तो एक ये देखो, तो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा घर चलते हैं। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।